हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर सब्सक्राइब करने के बाद आप ये बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे जितने भी अपलोड्स हैं, जितने भी पॉपुलर अपलोड्स हैं, वो आपके पास ऑटोमेटिक मिलते चले जाएंगे। और साथ में आपको मिलेंगे हमारे सारे पॉपुलर चैनल्स जिसे देखकर आप इंटरटेन होंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज टैप द बेल। थैंक यू। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पे स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि हरतालिका तिज का जो व्रत है उसकी पूजा विधि क्या है, उसका महात्म्य क्या है। जिस दिन आप तिज का व्रत रखते हैं उस दिन आपको किन बातों का ध्यान रखना है, आपको कौन कौन सी पूजा सामग्री चाहिए। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हस्त नक्षत्र में कुमारी तथा सौभाग्यवती स्त्रियां पति सुख प्राप्त करने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती है। और इस साल 2019 में तीज व्रत जो है वो 1 सितंबर को है और दिन है रविवार। पूजा का जो संध्या काल है, जो प्रदोष काल है जिसमें आपको पूजा करनी है, वो है शाम को 6:45 से लेके शाम को 8:30 तक अप्रॉक्स। तो ये व्रत वास्तव में सत्यम शिवम सुंदरम के प्रति आस्था और प्रेम का त्यौहार है। हरियाली तीज शिव पार्वती के मिलन का दिन है। सुहागनों द्वारा शिव पार्वती जैसे सुखी पारिवारिक जीवन जीने की कामना का पर्व है। अभी जो हम व्रत करते हैं, जो लोग व्रत करते हैं, उसके एक अपने नियम है, उस नियम को आपको फॉलो करना है। हरितालिका तीज व्रत में जल ग्रहण नहीं करना चाहिए और व्रत के बाद अगले दिन जल को ग्रहण करने का विधान है। हरितालिका तीज व्रत करने पर उसे छोड़ा नहीं जाता है। प्रत्येक वर्ष इस व्रत को विधि विधान से करना चाहिए। हरितालिका तीज व्रत के दिन रात्रि जागरण किया जाता है और रात में भजन कीर्तन करना चाहिए। हरितालिका तीज व्रत कुमारी कन्या, सौभाग्यवती स्त्रियां और शास्त्रों में विधवा महिलाओं को भी व्रत रखने की आज्ञा है। अब पूजा सामग्री जो है उसमें क्या क्या लगता है वो मैं आपको बता दूं। हरितालिका व्रत पूजन में जो सामग्री है वो आपको एक दिन पूर्व ही इकट्ठा कर लेना पड़ेगा ताकि पूजन के समय किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। पंचामृत मतलब घी, दही, शक्कर, दूध, शहद, दिया, कपूर, कुमकुम, सिंदूर, चंदन, अबीर, जनेऊ, वस्त्र, श्रीफल, कलश, बेलपत्र, शमी पत्र, धतूरे का फल और फूल, अकाओं का फूल, तुलसी और मंजरी, काली मिट्टी अथवा बालू, रेत, केले का पत्ता, फल और फूल। माता गौरी के लिए आपको पूरा सुहाग का सामान लेना है, जैसे कि चूड़ी, बिछिया, बिंदी, कुमकुम, काजल, महोर, मेहंदी, सिंदूर, कंघी, वस्त्र, सब आपको लेना पड़ेगा। इसके जो नियम है वो ये है कि व्रत 3 दिन का होता है। प्रथम दिन व्रती नहाकर खाना खाती है जिसे नहाखा दिन भी कहा जाता है। दूसरे दिन व्रती दिन भर उपवास करके संध्या समय में स्नान करके तथा शुद्ध वस्त्र धारण कर पार्वती तथा शिव की मिट्टी मतलब रेत जो है प्रतिमा बनाकर गौरी शंकर की पूजा करती है। तीसरे दिन व्रती अपना उपवास तोड़ती है और चढ़ाए गए पूजन सामग्री ब्राह्मण को देती है तथा पूजन में प्रयुक्त रेत मिट्टी आदि को जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। हरितालिका पूजा में शिव पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा रेत, बालू या काली मिट्टी की अपने हाथों से बनानी चाहिए। रंगोली तथा फूल से सजाना चाहिए। चौकी पर एक सातिया बनाकर उस पर थाल रखें तथा उस थाल में केले के पत्ते को रखना चाहिए और उसके बाद तीनों प्रतिमाओं को केले के पत्ते पर स्थापित करना चाहिए। उसके बाद कलश के ऊपर श्रीफल अथवा दीपक जलाना चाहिए। कलश के मुंह पर लाल धागा बांध सकते हैं और घड़े पर सातिया बनाकर उस पर अक्षत चढ़ाएं। तत्पश्चात जल चढ़ाना चाहिए। फिर कुमकुम, हल्दी, चावल, पुष्प से कलश का पूजन करना है। कलश पूजन के उपरांत गणपति पूजा, उसके बाद शिव जी की और बाद में माता गौरी की पूजा करनी चाहिए। पूजा के दौरान सुहाग की पिटारी में सुहाग की साड़ी रखकर पार्वती को चढ़ानी चाहिए तथा शिव जी को धोती और अंगूठा चढ़ाना चाहिए। पूरे विधि विधान से पूजा करने के बाद हरितालिका व्रत की कथा पढ़नी भी चाहिए और सुननी भी चाहिए।
हरितालिका तीज प्रदोष काल में किया जाता है। सूर्यास्त्र के बाद के 3 मुहूर्त को प्रदोष काल कहा जाता है और यह दिन और रात के मिलन का समय होता है। हरितालिका पूजन के लिए भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की बालू, रेत और काली की प्रतिमा हाथों से अपनी ही बातों से बनाना चाहिए। देवताओं के आह्वान करते हुए भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। शिव जी को जो आप धोती और अंगोछा चढ़ाते हैं वो बाद में पंडितों को दान कर दिया जाता है, और जो सुहाग की सामग्री है वो सास के चरण स्पर्श करने के बाद ब्राह्मणी और ब्राह्मणों को दान कर देना चाहिए। पूजन के बाद, कथा वगैरह होने के बाद आप रात्रि जागरण करें। आरती के बाद सुबह माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं और ककड़ी हलवे का भोग लगाकर आपको व्रत खोलना है। हमेशा याद रखिए, कथा पढ़ने और सुनने के बाद सर्वप्रथम गणेश जी की आरती करनी है, फिर शिव जी की आरती और अंत में माता गौरी की आरती करनी चाहिए। आरती के बाद भगवान की परिक्रमा की जाती है और इस दिन रात भर जागकर गौरी शंकर की पूजा, कीर्तन, स्तुति करनी चाहिए। तो इस नियम विधान से आप यदि आप ये तीज करते हैं तो आपका सौभाग्य बढ़ता है, घर में धन धान्य बना रहता है। पूजा का खंडन आप किसी भी सूरत में नहीं करें और इस दिन नए वस्त्र ही पहनने चाहिए। हरितालिका तीज पूजन मंदिर में भी आप कर सकते हैं और घर पे भी कर सकते हैं, और अन्न, जल या फल इस दिन नहीं खाना है आपको। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए, और हम चाहेंगे यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप उन्हें शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।